2023 का महासंग्राम, जी हां, कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत का बाजार खुल गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता का आभार जताया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने हम पर भरोसा जताया, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, कर्नाटक में मोहब्बत का बाजार खुल गया है, कर्नाटक में जनता की जीत हुई है। ये टैली लगातार आप देख रहे हैं सुबह से ही न्यूज 18 राजस्थान पर। कांग्रेस फिलहाल 137 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है या फिर इनमें से सीटों को जीत चुकी है, और बीजेपी जो कि सैकड़ा पार पिछले चुनावों में विधानसभा में कर चुकी थी लेकिन इस बार वो 62 सीटों पर ही फंसी हुई नजर आ रही है। जेडीएस को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, 37 सीटें जीती थी लेकिन अभी 21 सीटों पर ही, 20 सीटें ही जेडीएस के पास आती हुई दिखाई दी है। राहुल गांधी को सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया, और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी, और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को, मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं, ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं।